इंडिया सेकेंड BMW G310 RR। हम लोग जिम से निकल रहे हैं, लेकर आ चुके हैं हमारी BMW, तो इसको हम लेके जा रहे हैं खाल रोड पे, ताकि हम वहाँ इसका पूरा कवर अप करके इसका पूरा वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग। चलिए भैया, तो कहीं थोड़ा सा लुक है, मैं आपको पूरा सिनेमैटिक में सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सोलो गाइज, हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और चलिए सागर भाई से मिलते हैं और जानते हैं हमारी BMW G310 RR के बारे में, पूरा इसको कवर अप करेंगे और सब चीज़ें जानते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, सब स्पेक्स क्या हैं इसके पूरे। चलो हाय गाइज, मेरा नाम सागर है और बाई प्रोफेशनल आई एम एन IT गाय एंड लाइक आई हैव समवेयर अराउंड 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज इंडिया सेकेंड BMW G310 RR, और अगर मैं MP की बात करूँ तो MP में दिस इज द फर्स्ट, प्रॉबली देयरफॉर भोपाल में भी दिस इज द फर्स्ट BMW G310 RR। एंड इफ आई टेक अबाउट लाइक हाउ आई गॉट दिस बाइक, सो इट वॉज अ सरप्राइज फ्रॉम माई ब्रदर ऑन माई बर्थडे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट करी ये बाइक। Just wanted to give a walk around. तो अगर मैं बाइक की बात करूँ तो as you can see like it looks very premium, और सबसे important ये है कि आपको मिलता है यहाँ पे BM का logo. Probably like everyone wants to have a BM in their life, so मतलब it's a very good thing. और the quality, अगर आप quality की बात करें, so quality, premium finish, paint अगर आप देखें तो वो सब BM का standard का है. So even the plastics, even मतलब everything has been crafted very nicely. अगर आप indicators देखो, these are LED indicators, we have DRL, we have projector headlamps, तो वो बाकी सब इसमें अच्छा है. अगर आप फॉक्स की बात करें तो वी हैव USD फॉक्स, वी हैव डिस्क, वी हैव ABD, और अगर मैं फ्यूल टैंक और कैपेसिटी की बात करूँ तो वी हैव 12 लीटर्स ऑफ फ्यूल कैपेसिटी, और उसके बाद अगर हम उसकी माइलेज की बात करें, सो कंपनी इज रेटिंग समवेयर अराउंड 30 KMPL, और मैंने अभी निकाला नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर लाइक हाउ मच इट विल बी। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, सो इट्स कलर डिस्प्ले, मोर इम्पॉर्टेंटली अगर यहाँ पे आपको बहुत सारे राइड मोड्स भी मिलते हैं, लाइक यू हैव अर्बन, यू हैव रेन, यू हैव स्पोर्ट ट्रैक, और भी मतलब काफ़ी सारे फीचर्स हैं। सो इट्स अ यूज़फुल डिस्प्ले, मतलब जो एक राइडर को चाहिए रहता है आपको यहाँ पे सब मिलेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ माइलेज, अगर इंजन का मतलब व्हाट्स द टेम्परेचर, कितना आपको चलाना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। टॉप स्पीड की बात करें तो कंपनी इज मेंशनिंग टॉप स्पीड इज़ 160, बट मेरे हिसाब से ये 160 से ज़्यादा जाएगी, आई गेस 180 तक जा सकती है। और अगर मैं इंजन की बात करूँ, सो इंजन इज़ 313 cc इंजन। टेल लाइट्स भी अगर आप देखें तो बहुत शार्प है, मतलब इफ़ यू सी शार्प टेल लाइट्स, वेरी गुड इंडिकेटर्स। अगर मैं साउंड की भी बात करूँ तो साउंड इज़ ऑल्सो वेरी यू नो लाउड, अगर आप मोड चेंज करते हैं तो यहाँ पर साउंड भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड ओवरऑल जो आप ये एक प्रॉपर डिज़ाइन देखेंगे, इट्स वेरी एविडेंट, मतलब बहुत ही बढ़िया लुक है। अगर जिन लोगों ने 1000 RR देख रखी है उनको बहुत अच्छे से देखिए कि इट्स लाइक इट्स अ सिबलिंग टू इट, लाइक अ स्मॉलर इन स्मॉलर CC सेगमेंट। और ABS की बात करें तो इट्स अ डुअल चैनल ABS, और अगर मैं इसके वेट की बात करूँ, ओवरऑल वेट इज समवेयर अराउंड लाइक 175 kg, तो यू कैन फील दैट कि आपके व्हेन यू सेट ऑन दिस बाइक तो आपको लगेगा कि यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बल्की। इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल, इसको रियल में देखेंगे इसलिए आई कैन फील इट। So it's a very premium product. Reason being it's by BM. So मतलब आप सब जानते हैं like BMW is a very premium brand. It lives up to its quality. It lives up to its customer delivery and satisfaction. तो उस terms में अगर हम बात करें तो it's a very premium bike. और अगर आप look भी देखेंगे तो कभी कभी लोगों को लगता है it's a 1000 RR, but it looks like that. काफ़ी बल्कि है। एंड और अगर मैं इसकी राइडिंग ग्रिप्स की बात करूँ, इसे वेरी वेरी गुड सिटिंग पोजीशन, राइडिंग ग्रिप्स भी बहुत अच्छी है, मतलब यू विल फील लाइक यू आर इन टू द बाइक, मतलब आप उसको एक्चुअली में चला रहे हैं, इट्स नॉट थ्रोइंग यू अवे और समथिंग लाइक दैट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है सिटिंग पोजीशन, पिलियन राइडर के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड ओवरऑल अगर आप ये एग्जॉस्ट भी देखेंगे, सो इट्स अ ब्लूइश टाइटेनियम, तो आपको ये थोड़ा सा जैसे जैसे टाइम के साथ आपको इट विल टर्न इनटू ब्लू,
तो इट्स इट लुक्स वेरी वेरी क्लासी, बहुत प्रीमियम लगता है ये BMW G310RR। अगर आप ग्राफिक्स को देखेंगे इट्स इन रेड ब्लू एंड ब्लैक एंड इट गोज राइट फ्रॉम हियर अंटिल द एंड। तो एक सिमेट्री है पूरे बाइक में अगर आप ग्राफिक्स को देखेंगे, सो लुक्स लाइक इट्स फ्लोइंग फ्रॉम हियर। अगर मैं एरोडायनामिक्स की बात करूँ सो एयर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देर आर वेंट्स विच गोज थ्रू हियर, सो इट गिव्स अ गुड एरोडायनामिकली भी अगर मैं बात करूँ तो इट्स वेरी कम्फर्टेबल, वेरी गुड स्पेशली इन हाई राइडिंग स्पीड्स। और चलो इसको आप चला के देखते हैं, मैं इसको चलाने वाला हूँ और इसका अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ उसका। सो गाइज सागर भैया मेरी नौरा चलाने वाले हैं और मैं भैया की BMW G310RR चलाने वाला हूँ, तो मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी ओवरऑल हम लोगों ने पूरा वीडियो में कवर करके बता दिया इसके फीचर्स वगैरह क्या हैं, तो चलिए इसको चलाते हैं और बताते हैं आपको ऐसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। तो गाइज कैसी लगी आपको, और ऐसे कंटेंट में आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। सर गाइस पावर तो भरपूर है उसके अंदर। तो गाइस मैं आपको इसको पिकअप दिखाता हूँ, तो गाइस मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूँ तो अमेजिंग ब्रेक्स हैं और कई कहने इसके ब्रेक्स भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है, पावर भी है, और बहुत जल्दी भैया भी हमारे साथ राइड पर मिलेंगे और आप देखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं पीछे के ब्रेक की बात करूँ, आगे की ब्रेक की बात करूँ, अमेजिंग ब्रेक्स हैं और हम लोग जिम पहुँच चुके हैं। ये BMW एक नंबर गाड़ी है भाई। सागर गिफ्टेड है तुम्हें तो है ना? सागर भाई को गिफ्टेड बाइक है ये। आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाला हूं। तो गाइस ये थी BMW की G310RR। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सागर भैया की अमेजिंग बाइक दिखाने के लिए हमको। तो भाई चलो टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।